हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए कई सवाल आ रहे हैं, उसी बारे में अपन वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, बीकॉम के बच्चों को, बीएससी के बच्चों को, बीए के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट किया गया है, थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे। तो एमकॉम वाले कई बच्चों के मेरे पास फोन आ रहे थे कि एमकॉम, एमएससी, एमए वाले हमारा क्या हुआ, कुछ हमारे बारे में बताइए सर, अभी तक हमारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जो उच्च शिक्षा विभाग की कोई बातचीत हुई थी, उस संबंध में कुछ सूचना आई है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये, एमए वाले बच्चों के लिए, एमकॉम वाले, एमएससी वालों के लिए। लास्ट ईयर क्या हुआ था, एमए प्रीवियस को प्रमोट कर दिया गया था, और जो एमए फाइनल है उनके जो एग्ज़ाम ले लिए गए थे। तो इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है, एमए जो प्रीवियस वाले बच्चे हैं उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। एमए प्रीवियस, एमकॉम प्रीवियस, एमएससी प्रीवियस, मतलब पीजी प्रीवियस वाले बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। और बाकी जो बच्चे हैं उनको प्रमोट, जो एमए फाइनल वाले बच्चे हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा, उनके एग्जाम लेगी यूनिवर्सिटी। अब कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर मल्टीपल क्या है, और ये सेकेंड डे के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, थर्ड डे के एग्जाम कैसे होंगे, तो इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, बने रहे मेरे साथ। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।